कोरमा हमारा हो गया है तैयार। अभी मैं इसको डिश में डाल रही हूँ। ऐसे बनाओगे तो बहुत मज़े का बनेगा, पूरी वीडियो देखना और इसी तरीके से ये तैयार करना। अस्सलाम वालेकुम, आज हम दानेदार देगी कोरमा बना रहे हैं। सबसे पहले 1.5 कप तेल डाल के गर्म किया, इसमें अभी प्याज डाल रहे हैं। आप तेल भी रखेंगे, इसको ब्राउन करना है, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। प्याज को जल्दी फ्राई करने के लिए इसमें जल्दी कलर आएगा, थोड़ा सा नमक डालना है। ये मेरे पास प्याज थी तकरीबन 1.5 किलो मुर्गी के अंदर मेरे पास 0.5 किलो प्याज थे जिसको मैं ब्राउन कर रही हूँ। अभी 5 मिनट हुए मुझे इसको प्याज को फ्राई करते हुए, नमक डालने से ये हो जाता है कि जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अभी जल्दी इसका कलर आ जाएगा, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे रेसिपी, बाकी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये प्याज फ्राई करके मैंने निकाल लिए हैं, अभी इसको रख दूंगी, ये बाद में डालेंगे। मुर्गी डालती हूँ, ये मुर्गी मैंने डाल दी है, अभी इसको भूनती हूँ 5 मिनट। इसको तेज़ आग आग के ऊपर पकाऊंगी, उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें डालेंगी। तेज़ आग के ऊपर मैंने मुर्गी को अच्छी खासी फ्राई कर लिया है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अभी इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच, ये कुछ मसाले हैं, काली मिर्ची है, लौंग है, तेज़पत्ता है, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, और बादाम का फूल है, और जावित्री है, दालचीनी है, ये मसाले इसके अंदर डाल दूँगी। ये 1 कप दही है मेरे पास, ये डाल दूंगी। ये दही मैंने डाल दिया है, दही का पानी है, इसमें मैं पानी दूसरा नहीं डाला, सिर्फ दही है, और इसमें मुर्गी गल जाएगी, फिर नमक मिर्ची वगैरह बाकी चीज़ें डालते हैं। अभी इसके अंदर जाएगी ये कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, लाल मिर्ची है, धनिया है, ज़ीरा है, ये सारे पाउडर मसाले इसके अंदर जाएंगे। इसी पानी में इसको मुर्गी को थोड़ा गला दूंगी, काफ़ी हद तक गल गई है, जिसमें जो दही डाला था उससे मुर्गी काफ़ी गल गई है। अभी थोड़ा सा इसको और पकाती हूँ, उसके बाद बाकी मसाले शामिल करेंगे और प्याज वगैरह शामिल करेंगे। कुछ मेरे पास ये मसाले हैं, काली मिर्ची है, लौंग है, दालचीनी है, तेज़पत्ता है, और इसमें ये जायफल है, और ये जवात्री है, और ये बादियार का फूल है, इसको मैं पीस के आखिर में डालूंगी। प्याज डालती हूँ और बाकी मसाले डाल के इसको थोड़ी देर पकाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। ये जो प्याज फ्राई किए थे उसको हमने अच्छी तरह पेस्ट बना लिया है इसका।
ये हम इसमें पानी डालेंगे, इतना डालेंगे कि ये पकने के बाद इतना रह जाए, बिल्कुल ये खुश्क ना हो, थोड़ा इसकी ग्रेवी बने, दाने बने। इतना सा पानी डाला है और कुछ खड़े मसाले मैंने इसको बारीक कर लिया, ये डाल रही हूँ। ये देखिए अच्छी तरह इसके कलर आ रहा है और घी भी ऊपर आ रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी, उसके बाद इसके अंदर केवड़ा वाटर डालूंगी, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और मैं थोड़ी ग्रेवी रखूंगी, इसको बिल्कुल खुश्क नहीं कर लूंगी। थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालूंगी, ये मैं थोड़ा सा डालूंगी। तो कोरमा मेरा हो गया है तैयार, अच्छी तरह घी इसके ऊपर आ चुका है, ये देखें। अभी मैं डिश आउट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ज़्यादा खुश्क नहीं करना, मैंने इसी तरह रख। कोरमा हमारा हो गया है तैयार, अभी मैं इसको डिश में डाल रही हूँ। ऐसे बनाओगे तो बहुत मज़े का बनेगा, पूरी वीडियो देखना और इसी तरीके से ये तैयार करना। और बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है, मैंने तो चखे देखा है। नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बस खाते जाएं। अच्छा तो कोरमा हमारा हो गया तैयार, बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़े का बना है। चैनल को लाइक करें और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर किया करें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।